स्टूडेंट्स में एक कॉमन समस्या आती है कि स्टडी के दौरान उनको इतना ज़्यादा बैठना पड़ता है, लंबे लंबे समय तक बैठते हैं, देर रात तक स्टडी करते हैं। तो देर रात तक स्टडी करना और पोस्चर भी अगर प्रॉपर नहीं है, यानी गलत पोस्चर में अगर बैठ रहे हैं, तो दोनों स्थितियाँ उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल नहीं होती है। ऐसे बच्चे लंबे समय तक स्टडी के दौरान या गलत पोस्चर में बैठकर स्टडी करने के दौरान धीरे 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 पेट की समस्याओं से ग्रसित होने लगते हैं, या पीठ की समस्या, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या इस तरह की समस्याएं उनको आने लगती है। पेट की समस्याओं की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का होना, पेट का ठीक से साफ न होना, समय से टॉयलेट न जाना, इस तरह की समस्याएं, या पेट का फूलना, बहुत ज़्यादा गैस बनना या भूख ठीक से न लगना। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें लीवर की समस्याएं आने लगती हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आईबीएस या कोलाइटिस से भी पीड़ित होने लगते हैं। आईबीएस या कोलाइटिस से पीड़ित होने वाले बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा होती है। वजह इतना होता है क्योंकि स्ट्रेस में वो जीते हैं, तनाव रहता है स्टडी का, स्ट्रगल का, अपने टारगेट को पाने का। तो ऐसी अवस्था में जो आईबीएस होता है, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, यह साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है जो ब्रेन से रिलेटेड भी होता है। स्ट्रेस में आने की कंडीशन में बच्चों में समस्या ज़्यादा आती है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जब एग्जाम नज़दीक आने लगता है, प्रेशर, या जिस दिन एग्जाम उनको देने जाना होता हो उस दिन बाउल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, कई बार टॉयलेट जाते हैं और पेपर के बाद प्रेशर कम हो जाता है, या उनको जब कहीं नहीं जाना रहता तो नॉर्मल दिनों में उनकी बाउल फ्रिक्वेंसी ठीक रहती है, लेकिन जब इंटरव्यू का डेट आती है या एग्जाम देने की कंडीशन होती है या कहीं उनको कुछ फेस करना पड़ता है तो प्रेशर की स्थिति में बाउल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट भी जो होते हैं उनको भी आईबीएस की समस्या या कॉन्स्टिपेशन या बार बार जो है स्टूल के साथ म्यूकस आना, कुछ बच्चों में तो इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग या पेट का फूलना, ढकारे आना, गैस बनना, ये समस्या होती है। इन दोनों समस्याओं के पीछे जो मुख्य कारण होता है वह लंबे समय तक सिटिंग पोजिशन में बैठना या गलत पोस्चर में बैठ कर स्टडी करना, और जो सबसे बड़ी बात इसके साथ में होती है वो समय से भोजन न करना और समय से न सोना। तो स्टूडेंट लाइफ में जो आयुर्वेद के हिसाब से बातें कही जाती हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से आपकी जो डाइट करने की हैबिट होती है, आहार करने की हैबिट, वो बहुत फिक्स होनी चाहिए। भोजन मात्रावत हो, समयानुसार हो, सही समय से हो, और कभी भी अजीर्ण की स्थिति में, यानी इंडाइजेशन है, खाने का मन नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती भोजन न करें और संयमित होकर भोजन करें, यानी जितनी आवश्यकता हो उतनी करें। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खाना मिला तो ढेर सारा खा लिया, ये दोनों स्थितियां जो है बहुत ही हानिकारक होती हैं आपके पेट के लिए। अब बात करते हैं कि यदि आप इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं तो करेंगे क्या। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को, अपने डाइटरी हैबिट को चेंज करने की ज़रूरत है। नियमित योग और व्यायाम करें, मेडिटेशन करें ताकि स्ट्रेस कम हो और बॉडी फिट रहे। जो पोस्चरल प्रॉब्लम आती है आपके कमर में और गर्दन में और इस तरह की चीज़ें आती हैं वो ठीक हों। इसके साथ साथ जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो अपने शरीर के लिए, स्वस्थ तन मन के लिए आपको प्रतिदिन 1 घंटे मॉर्निंग में यह चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दवाइयों में इलाज ढूंढते रहेंगे और परेशान रहेंगे। ये चीज़ें आपको खुद सुधारनी होगी, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइटरी हैबिट को, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहते हैं तभी आप भविष्य में एक अच्छे पोस्ट पर पहुंचकर अच्छी अर्निंग करेंगे और उसका सही से उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि बीमार व्यक्ति अपने वेल्थ को जो क्रिएट करता है उसका सही से यूज नहीं कर पाता, केवल उससे ज़्यादा वो पैसा अपने हेल्थ को बचाने में गंवाता है। तो आपको सबसे पहले अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, अच्छे स्कॉलर के रूप में और अच्छे लेवल पर पहुँचेंगे। ये चीज़ें आपके साथ बहुत मायने रखती। कुछ औषधियों की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में डॉक्टर्स को दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो यदि आपको पेट की समस्या रहती है तो आप कुछ औषधियों को ध्यान में रखें, उनका सेवन कर सकते हैं।
शाम को गुनगुने पानी से त्रिफला चूर्ण लेने से आपका पेट बिल्कुल साफ रहता है। जरूरत पड़ता है तो रूटीन में भी ले सकते हैं, नहीं जरूरत पड़े तो जब आवश्यकता लगे तभी एक चम्मच गुनगुने पानी से शाम को सोते समय लें तो बेटर रहेगा। दूसरी औषधि पेट को साफ करने की जो है बहुत आसान है, एक गिलास गुनगुने दूध के साथ इतना किशमिश, थोड़ा सा किशमिश चबा कर खाएं और खा के गर्म दूध पी लें तो अगले दिन पेट साफ हो जाता है। तीसरी औषधि की बात करें, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या गैस बन रही है तो आयुर्वेद में चित्रकादी बटी आती है। चित्रकादी बटी दो गोली सुबह दो गोली शाम लेना आपके लिए बेहतर होता है। कुछ बच्चे जो और दिक्कतों का सामना करते हैं जैसे कमर में दर्द गर्दन में दर्द, तो इसके लिए बैकवर्ड बेंडिंग यानी पीछे मुड़ने वाली एक्सरसाइज करें। भुजंगासन धनुरासन चक्रासन इस तरह के एक्सरसाइज करने से ये प्रॉब्लम दूर होती है। औषधियों की बात करें, यदि और आपको दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा बेल्चिंग आती है ढकारे आती हैं इस तरह की समस्या आती हैं तो आप अभयारिष्ट का भी सेवन कर सकते हैं। वीकनेस कमजोरी या कंसंट्रेशन से रिलेटेड अगर समस्याएं आती हैं आपको तो आप अश्वगंधारिष्ट का सेवन कर सकते हैं 20 ml की मात्रा सुबह शाम पानी में मिलाकर, भोजन के बाद लेना ठीक रहता है। यदि आप पढ़ते हैं बैठकर पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपका कंसंट्रेशन ठीक नहीं बन रहा है या जो पढ़ रहे हैं उसकी ग्रेस्पिंग आपकी सही नहीं हो रही है या आपने याद तो कर लिया था लेकिन मेमोरी रिकॉल नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट दोनों का आप प्रयोग करें एक साथ मिलाकर, 20 ml सारस्वतारिष्ट और 20 ml अश्वगंधारिष्ट बराबर पानी में मिलाकर, तो कुछ दिनों के बाद यह समस्या दूर होने लगती है। विशेष परिस्थितियों में यदि समस्या ज़्यादा है तो चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।